क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्या कहता है आपसे क्वेश्चन 27। ए बी सी पार्टनर है, ए बी और सी तीन पार्टनर, इनका रेशियो कितना है, 5, 3 और 2। दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर, डी क्या है, एक नया पार्टनर आ रहा है। वो एज ए कैपिटल कितना लेके आ रहा है, 5 लाख रुपीज़, और गुडविल के लिए कितना पैसा लेके आ रहा है, 2,10,000 रुपीज़। ए क्या करता है, 1/5 ऑफ इस शेयर सरेंडर करता है, और बी कितना सरेंडर करता है, 1/6 ऑफ इस शेयर सरेंडर करता है, और सी क्या करता है, 1/8 अपने शेयर्स का क्या करता है, सरेंडर करता है, किसको, डी को। यानी ए क्या करता है, अपने हिस्से का 1/5, बी कितना अपने हिस्से का 1/6, और सी कितना अपने हिस्से का 1/8 क्या करता है, सरेंडर करता है। कहता है फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशियो, एक तो हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, और पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एबव। आइए सबसे पहले हम निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। मेरी बात सुनो, पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी और सी। ए क्या करता है, ऐसे इनका रेशियो कितना है, 5, 3, 2, मीन्स 5/10, 3/10 और 2/10। ए क्या करता है, अपने हिस्से में से 5/10 में से कितना सेक्रीफाइस करता है, 1/5। बी क्या करता है, अपने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस करता है, 1/6। और सी क्या करता है, अपने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस करता है, अपने हिस्से का 1/8। आइए देखते हैं कितना कितना होगा आपका, ये 5, 5 कट जाएगा, 2 से 4 से कितना हो गया आपका, 1/10, 1/20 और 1/40। इसे भी काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के आ गया, 2/40। इसे भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के आ गया, 4/40। तो ये इनका सेक्रीफाइस, 4, 2 और 1। सेक्रीफाइस वही होता है ना जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए क्या कर रहा है, 4/10 दे रहा है, बी क्या दे रहा है, 2/10 दे रहा है, सी क्या दे रहा है, 1/10 दे रहा है। तो इनका जो निकल के आया सेक्रीफाइस रेशियो वो क्या निकल के आया, 4, 2 और 1, ये इनका निकला सेक्रीफाइस रेशियो। तो जो वो गुडविल का पैसा लेके आएगा वो इनके बीच में कैसे बढ़ जाएगा, 4, 2, 1 में बांट दिया जाएगा। आइए करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सबसे पहले क्या होगा, फर्म के पास कैश आएगा। कैश दो तरीके से आ रहा है, एक तो डी के कैपिटल के लिए पैसा आ रहा है, और कुछ पैसा किस बात के लिए आ रहा है, प्रीमियम के लिए आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टू प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल के लिए कितना अमाउंट आ रहा है, 5 लाख रुपीज़, और गुडविल के लिए कितना अमाउंट आ रहा है, 2,10,000 रुपीज़। यानी कुल कितना आ रहा है, 7,10,000। अब ये जो गुडविल का पैसा है ये किसके बीच में बट जाएगा, ए बी सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और पता है ना किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो, 4, 2 और 1। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी,
प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल था क्या? सीआर, और सीआर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? डीआर से। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर कितना? 2,10,000। और टू क्या हो जाएगा आपका? ए बी और सी। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। और पता है ना रेशियो किस रेशियो में बांटना था? 4:1 में। कितना आ जाएगा? 1,20,000, 60,000 और 30,000, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्या कहता है आपसे ये। पार्टनर्स ए बी सी किसी फर्म के पार्टनर हैं, इनका रेशो कितना है? 3:1। अब क्या हो रहा है? फॉर 1/6 ईयर दे एडमिट डी, एक नया पार्टनर आ रहा है। नया पार्टनर कौन आ रहा है? डी। और डी किसके लिए आ रहा है? 1/6 के लिए आ रहा है। और वो कैपिटल क्या लेके आ रहा है? 2,00,000 रुपीज़, जिसमें 60,000 किस बात का है? गुडविल का है। अगर 2,00,000 रुपीज़ में 60,000 किस बात का है? गुडविल का है, तो 140 किस बात का है? कैपिटल का है। कथा सो द जर्नल एंट्री इफ ए बी सी डी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ केस ए। केस ए में क्या दिया हुआ है? उनका न्यू रेशियो कितना है? 15:10, 5 और 6। सेकेंड केस क्या लिखा हुआ है? न्यू रेशियो कितना है? 5:3:2:2। और थर्ड केस उनके बीच में न्यू रेशियो कितना है? 2:1:1। एज्यूमिंग डेट इंटायर कैश ब्रॉडबैंड डी रिमेन इन द बिजनेस, ये कहता है जो भी कैश लेके आएगा कैश विड्रॉल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये तो हमें ही पता है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो गुडविल का पैसा विड्रॉल नहीं किया जाता है, सिर्फ गुडविल का पैसा आएगा और डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर के बीच में, सेक्रीफाइज रेशियो के बीच में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन वो पैसा ओल्ड पार्टनर विड्रॉल नहीं करते जब तक क्वेश्चन में बोला ना हो। तो मेरी बात सुनो, डी किसके लिए आ रहा है? 1/6 के लिए आ रहा है। और मैंने एक बात बताई थी, अगर सेक्रीफाइज रेशियो निकालना मुश्किल हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम फर्म की गुडविल निकालते हैं, फिर उसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसे न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अपने आप निकल के आ जाता है किसे डीआर करना और किसे सीआर करना है। आइए, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा फर्म की गुडविल। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं जो डी पैसा लेके आ रहा है, डी शेयर्स इन गुडविल, डी शेयर्स इन गुडविल फॉर 1/6 कितना अमाउंट है? 60,000। देन गुडविल ऑफ फर्म इक्वल टू 60,000 है, ये 6 में से 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 6 में से 1 के बराबर है। तो फर्म की गुडविल किसके बराबर होगी? 6 के बराबर होगी। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 6 से। क्लियर है ना? वो जो 60,000 लेके आ रहा था वो किसके लेके आ रहा था? 6 में से 1 के लिए। फर्म की तो गुडविल कितनी है? 6 है। और ये 60,000 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो आपने क्या किया, 60 को डिवाइड किससे किया? 1 से, और मल्टीप्लाई किससे किया? 6 से।
क्या निकल के आ गया आपका, गुडविल ऑफ फर्म निकल के आ गया। पहले हम इसे कैसे बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, फिर इसे कैसे बांटेंगे, न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो में, ठीक है ना। और अपने आप निकल जाएगा किसे डीआर करना और किसे सीआर करना है। आइए करते हैं इसको सॉल्व। केस वन, गुडविल एडजस्टमेंट, पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, ए बी सी और डी। सबसे पहले क्या होगा, गुडविल आएगा, कितना गुडविल था, 360,000। और ये जो गुडविल आएगा वो कैसे आएगा, ओल्ड डेसो में, इनका ओल्ड डेसो क्या था, 3, 2 और 1। गुडविल आता कैसे है, डीआर से। तो थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड को डिवाइड कैसे करोगे, 3, 2, 1 में, क्या निकल के आएगा आपका, 1,80,000 CR, 1,20,000 CR और कितना हो जाएगा आपका, 60,000 CR। अब इसे वापस क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये जो गुडविल DR है, ये DR कैंसिल कैसे होगा, CR से, 3,60,000 DR कैंसिल कैसे होगा, CR से। और इनका न्यू रेशो क्या दिया हुआ है, 15, 10, 5, 6। आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 360 को, 15, 10, 5, 6, क्या निकल के आएगा आपका, 1,50,000 DR, 1 lakh DR और 60,000 क्या हो जाएगा, DR। अब देखते हैं इनके बीच में DR अधिक है या CR अधिक है। तो D का तो DR अधिक है, कितना अधिक है, 60,000, यानी D पैसा लेके आएगा, कितना लेके आएगा, 60,000। C का क्या अधिक है, CR, कितना अधिक है आपका CR, 10,000। B का कितना अधिक है, CR, CR कितना अधिक है, 20,000। और ए का कितना अधिक है, CR, 30,000। तो DR का मतलब ये होता है कि फर्म इनसे पैसे मांगती है, और CR का मतलब ये होता है कि वो पैसे किसको दिए जाएंगे, ए बी और सी को दिया जाएगा। एक बात याद रखना, जितना ही क्या होगा बैलेंसिंग DR बचेगा, उतना ही बैलेंसिंग क्या बचेगा आपका, CR बचेगा। तो मैंने क्या बताया, अगर सेक्रीफाइस रेशियो निकालना मुश्किल हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं, पहले उसे बांटते हैं ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, फिर उसे बांटते हैं न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो में। गुडविल कैसे आएगा, DR से, ओल्ड पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, CR, ये DR कैंसिल कैसे होगा, CR से, तो न्यू पार्टनर्स क्या हो जाएंगे आपके, DR। तो ये तो पैसा लेके आ रहा है, याद है ना, फर्म मांगती कितनी है, 60, और वैसे भी डी पैसे कितने लेके आ रहा है, 60,000 लेके आ रहा है। और ये वो पैसा किसने बट जाएगा, ए बी सी में बट जाएगा, कैसे कैसे बटेगा, 30,000, 20,000 और कितना, 10,000। आइए करते हैं इसकी एंट्री, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट DR, याद है ना, टोटल कैश कितना लेके आया था डी ने, 2 lakh rupees, इसमें 60,000 किस बात का, गुडविल का। तो जो बाकी पैसे हैं वो पैसे किस बात के, कैपिटल के, कैश अकाउंट DR टू डी कैपिटल, टू डी कैपिटल। कितना होगा आपका डी कैपिटल,
1,40,000 और बाकी पैसा किस बात का है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 60,000। अब ये जो 60,000 है किसके बीच में बट जाएगा? ए बी सी में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। याद है यही वो पैसा था ना जो फर्म किससे मांगती थी? डी से। और डी ने कितने पैसे लेके आया? 60,000 लेके आया गुडविल के लिए। अभी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल है क्या? सी आर। और सी आर कैसे बटेगा? डी आर से। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आर, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 60,000। और ये किसके बीच में बट जाएगा? ए बी सी के बीच में बट जाएगा। टू ए कैपिटल, ए कैपिटल कितना हो जाएगा? 30,000। टू बी कैपिटल, टू बी कैपिटल कितना हो जाएगा? 20,000। टू सी कैपिटल, कितना हो जाएगा आपका सी कैपिटल? 10,000 रुपीज। ये तो बात हुई थी केस वन की। आइए देखते हैं केस टू के बारे में। केस टू क्या कहता है? न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 5,322। फिर वही बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्म की गुडविल निकालेंगे जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। पहले उसे कैसे बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। फिर उसे कैसे बांटेंगे? न्यू रेशियो में। अपने आप डिफरेंस आ जाएगा किसे डी आर करना और किसे सी आर करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। केस टू, पार्टनर्स का नाम क्या क्या था? ए बी सी और डी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुडविल को लेके आएंगे। आपको पता है ना गुडविल है कितने का? 3,60,000। और गुडविल क्या होता है? एसेट। एसेट कैसे आएगा? डीआर से। और इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 3,2 और 1। आइए 360 को बांट लेते हैं 3,2,1 में। क्या निकल के आएगा आपका? 1,80,000 सी आर। 1,20,000 ये भी क्या हो जाएगा? सी आर। और ये निकलेगा आपका 60,000, ये भी क्या हो गया आपका? सी आर। अब इस गुडविल को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। ये जो गुडविल है 360 DR, ये जो 360 DR है ये कैंसिल कैसे होगा आपका? सी आर से। और इनका जो न्यू रेशियो है वो न्यू रेशियो कितना है? 5,3,2 और 2। आइए बांटते हैं 5,3,2,2 में। क्या निकल के आएगा आपका? 1,50,000 DR। 90,000 DR। $60,000 DR। और 60,000 DR। आइए अब देखते हैं किसका DR अधिक है और किसका CR अधिक है। डी का तो क्या अधिक है? डी आर। इट मीन्स फर्म इनसे पैसे मांगती है। कितने पैसे मांगती है? 60,000। सी का तो क्या है? डी आर सी आर दोनों बराबर है, यानी नील हो जाएगा। बी का क्या अधिक है? सी आर। कितना अधिक है सी आर? 30,000। और ए का,
एक आदि क्या है सी आर, कितना 30,000। सी आर का मतलब ये होता है कि फर्म इनको पैसा देगी और डी आर का मतलब ये होता है फर्म इनसे पैसे मांगती है। तो डी से कितने पैसे मांगती है 60,000, और वो 60 किसको चला जाएगा ए और बी को। और एक बात याद रखना, बैलेंसिंग जितना ही क्या होगा डी आर उतना ही क्या होगा सी आर। तो डी तो वैसे ही क्या हो रहा है पैसा लेके आ रहा है, इनकी क्या बन जाएगी आपकी, डी कुल कितना पैसा लेके आ रहा था कैश अकाउंट डी आर 2 लाख रुपीज। इसमें कुछ पैसे किस बात के हैं डी कैपिटल के हैं और कुछ पैसे किस बात के हैं गुडविल के हैं, 2 डी कैपिटल। डी कैपिटल के कितने पैसे लेके आ रहे हैं ये 1,40,000, और कुछ पैसे किस बात के लेके आ रहे हैं 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कुछ पैसे किस बात के लेके आ रहे हैं 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेके आ रहे हैं 60,000, और डी से पैसा मांगा भी कितना गया था 60,000। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है किसके बीच में बढ़ जाएगा ए और बी के बीच में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आर 60,000। 2 क्या हो जाएगा आपका एज कैपिटल और 2 क्या हो जाएगा बीज कैपिटल, 2 एज कैपिटल। और 2 क्या हो जाएगा बीज कैपिटल, कितना कितना अमाउंट आया था आपका 30,000 और कितना आया था 30,000। आइए देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या लिखा हुआ था, जो न्यू रेशियो है न्यू रेशियो कितना हो जाएगा आपका, टू टू वन वन। तो पहले तो हम कैसे बांटेंगे ओल्ड रेशियो में और फिर कैसे बांटेंगे न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है 2211। आइए सॉल्व करते हैं केस थर्ड। अब बात करते हैं अपने केस थर्ड। फिर वही बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बनाएंगे गुडविल एडजस्टमेंट। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है ए बी सी और डी। सबसे पहले हम गुडविल को लेके आएंगे। गुडविल कितने का था 3,60,000, और इसे हम कैसे लेके आएंगे एसेट है, एसेट कैसे आएगा डी आर से, और उनका ओल्ड रेशियो क्या था 3, 2 और 1। तो इसको बांट लेते हैं, कितना कितना आएगा आपका 1,80,000, सी आर 1,20,000, सी आर और 60,000 सी आर। अब इस गुडविल को वापस करेंगे कैंसिल। ये जो 3,60,000 डी आर है ये डी आर कैंसिल कैसे होगा सी आर से, और इनका जो न्यू रेशियो है न्यू रेशियो कितना है 2211। 2
वन और वन। ठीक है, इसको बांट लेते हैं। ये जो सी आर है, सी आर कैंसिल कैसे होगा डी आर से, एंट्री क्या हो जाएगी आपकी 1,20,000 डी आर। वन लैख 20,000 डी आर, सिक्सटी थाउजेंड डी आर, और 60,000 डी आर। तो जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, एक अधिक क्या आ रहा है सी आर, कितना अधिक आ रहा है 60,000। बी का जितना ही डी आर है उतना ही सी आर, यानी कोई बैलेंस नहीं है। सी का भी जितना डी आर उतना ही सी आर, कोई बैलेंस नहीं है। और डी, डी का क्या आ रहा है आपका 60,000 डी आर, यानी फर्म डी से पैसे मांगती है, कितने पैसे मांगती है 60,000, और ये पैसे गुडविल किसको ट्रांसफ़र करेगी ए को। आइए देखते हैं फिर से एंट्री। सबसे पहली बात ये है कि कैश, कैश फर्म में कितना आया था 2,42,000 रुपीस। इसमें कुछ पैसा किस बात का है, डी कैपिटल का है, और कुछ पैसा किस बात का है, प्रीमियम फॉर गुडविल का है। कुछ पैसा किस बात का है, डी कैपिटल का है। तो जो डी कैपिटल था, डी कैपिटल का कितना पैसा था 1,40,000, और कुछ पैसे किस बात के हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना अमाउंट 60,000। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये किसको दे दिया जाएगा, पूरा का पूरा ए को दे दिया जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आर, टू टू क्या हो जाएगा आपका एज कैपिटल। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 60,000 और 60,000। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। कहता है एक्स और वाई दो पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है 3:2। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, ये क्या हो रहे हैं पार्टनरशिप में आएंगे, और जेड क्या करता है प्रीमियम के लिए कितने पैसे लेके आ रहा है 1,00,000 रुपीस, और ये आ किसके लिए रहा है 1/4 के लिए आ रहा है। और एक्स और वाई ये दोनों प्रॉफिट शेयर आपस में कैसे करेंगे इक्वली, तो मेरी बात सुनो, वो तो क्या ले गया 1/4, और जो बचेगा वो एक्स और वाई आपस में कैसे बांटेंगे इक्वल बांटेंगे। कहता है गिव द जनरल एंट्री, फिर वही बात है, या तो आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है पहले हम गुडविल को कैसे बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, और फिर कैसे बांटेंगे न्यू रेशियो में। अपने आप डिफरेंस आ जाएगा किसे डी आर करना है किसे सी आर करना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, फर्म की गुडविल चाहिए होती है। ये तो 1,00,000 रुपीज़ जेड की है, जेड 1/4 के लिए लेके आएगा, हमें किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए गुडविल ऑफ फर्म चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेड शेयर्स,
जेड शेयर्स इन गुडविल। जेड शेयर्स इन गुडविल फॉर वन अपॉन फोर। फॉर वन अपॉन फोर कितना है? 1 लाख रुपीज। ये जो 1 लाख रुपीज है ये 4 में से 1 के बराबर के लिए है, तो गुडविल ऑफ फर्म कितना हो जाएगा? देन गुडविल ऑफ फर्म ये जो 1 लाख रुपीज था, ये 1 लाख रुपीज किसके लिए था? 4 में से 1 के लिए था। तो डिवाइड किससे करोगे? 1 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4 से। तो ये निकलेगा आपका फर्म गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी होगी? 4 लाख रुपीज। इसे हम पहले कैसे बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। फिर कैसे बांटेंगे? न्यू रेशियो में। अपने आप डिफरेंस आ जाएगा किसे DR करना है, किसे CR करना है। आइए सॉल्व करते हैं गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल एडजस्टमेंट नाम क्या है इनका? एक्स, वाई और जेड। पहले गुडविल आएगा। गुडविल कितने का है? फर्म का 4 लाख रुपीज का। गुडविल कैसे आता है? DR से आता है, 4 लाख रुपीज DR। और इनका जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या था इनका? 3:2। तो 4 लाख को बांटोगे 3 और 2 में तो क्या निकल के आएगा? 2,40,000। CR और क्या निकल के आएगा आपका? 1,60,000। ये भी क्या निकलेगा आपका? CR। अभी गुडविल क्या होगा? वापस कैंसिल होगा। गुडविल है क्या? DR। और DR कैंसिल कैसे होगा? CR से। क्या हो जाएगा गुडविल आपका? 4 लाख रुपीज। ये DR है ना, और ये DR कैंसिल कैसे होगा? CR से। और जो इनका न्यू रेशियो है, याद है ना, जेड को क्या चाहिए? 1/4। तो 4 लाख रुपीज का 1/4 कितना हो जाएगा आपका? 1 लाख रुपीज DR। अब 4 लाख में से 1 लाख चल गया तो क्या बचा? 3 लाख रुपीज। और 3 लाख रुपीज एक्स और वाई में कैसे बटेगा? इक्वली। तो 4 लाख में से 1 लाख चला गया, क्या बच गया? 3 लाख। और क्या बात हुई थी? एक्स और वाई कैसे बांटेंगे? इक्वल बांटेंगे। तो 3 लाख को अगर 2 भागों में बांटोगे तो क्या निकलेगा आपका? 1,50,000 DR और 1,50,000 DR। तो जो डिफरेंस आ रहा है, देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। एक्स का क्या अधिक आ रहा है? CR अधिक आ रहा है। कितना CR अधिक है? 90,000 क्या है? CR अधिक है। अगर Y की बात करें तो Y का क्या अधिक आ रहा है? CR। कितना अधिक आ रहा है? 10,000 CR क्या हो रहा है? अधिक आ रहा है। और जो Z है, Z का क्या अधिक आ रहा है? 1 लाख रुपीज क्या अधिक आ रहा है? DR। तो क्या होगा? Z से हम पैसे मांगते हैं, कितने पैसे मांगते हैं? 1 लाख रुपीज। और ये वाला अमाउंट किसको जाएगा? X को, और Y को चला जाएगा। आइए करके देखते हैं एंट्री। एंट्री क्या हो जाएगी? फर्म के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट DR। कैश अकाउंट DR कितना आ रहा है? 1 लाख रुपीज। कैश अकाउंट DR कितना आ रहा है? 1 लाख रुपीज। और 2 क्या हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा आपका? प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख रुपीज। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये वापस किसमें बट जाएगा? एक्स और वाई में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल है क्या? CR। और ये CR कैसे बटेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये है क्या? CR। CR कैसे बटेगा? DR में। कितना हो जाएगा आपका? 1 लाख रुपीज। 2 क्या हो जाएगा आपका? एक्स कैपिटल। और 2 क्या हो जाएगा आपका? वाई कैपिटल। 2 एक्स कैपिटल।
कितना होगा आपका कैपिटल? 90,000। और टू क्या हो जाएगा? वाई कैपिटल। कितना होगा आपका वाई कैपिटल? 10,000। ठीक है ना? तो ये बात आपको याद रहेगी कि जब भी सेक्रीफाइजेशन निकालना हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है। पहले आप क्या करोगे, फर्म की गुडविल निकालोगे, पहले उससे बांटोगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, फिर उससे बांटोगे न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो में। अपने आप डिफरेंस निकल जाएगा किसे डी आर करना है किसे सी आर करना है। डी आर मीन्स फर्म उससे पैसे मांगती है और सी आर मीन्स वो पैसे सी आर वालों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है आपसे एक्स और वाई पार्टनर है और इनका रेशियो कितना है? 2:1। अब जो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर कौन आ रहा है? जेड। और जेड किसके लिए आ रहा है? 1/3 के लिए आ रहा है। वो कैपिटल के लिए क्या लेके आ रहा है? 50,000 रुपीज एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। और जो भी गुडविल का अमाउंट होगा वो कैश में लेके आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। फर्म की गुडविल कितनी है? 36,000 रुपीज। और एक्स वाई जेड फ्यूचर में कैसे प्रॉफिट बांटेंगे? इक्वली। यानी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1 और न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1। क्लियर है ना? न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:1। कहता है अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस। जो गुडविल का पैसा लेके आएगा कौन लेके आएगा? जेड। वो पैसा किस में बढ़ जाएगा? एक्स और वाई में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में बढ़ जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ जाएगा। और फिर एक्स और वाई क्या करेंगे? उस पैसे को विड्रॉल कर लेंगे। तो मेरी बात सुनो, सेक्रीफाइस रेशियो निकालने से अच्छा है पहले हम क्या करेंगे, गुडविल को कैसे बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, फिर कैसे बांटेंगे न्यू रेशियो में। अपने आप आ जाएगा फर्म जेड से कितने पैसे मांगती है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। गुडविल एडजस्टमेंट, पार्टनर्स का नाम क्या क्या है? एक्स वाई और जेड। पहले गुडविल आएगा और कितना है फर्म की गुडविल? 36,000। गुडविल कैसे आएगा? डीआर से। और जो इनका रेशियो है ओल्ड रेशियो, क्या रेशियो था? 2:1। इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका? 24,000 सीआर। और क्या हो जाएगा? 12,000 सीआर। अब ये जो गुडविल है ना, ये जो डीआर है, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये डीआर कैंसिल कैसे हो जाएगा आपका? सीआर से। किस रेशियो में? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो तो पता है 1:1। इसमें कितना हो जाएगा आपका? 12,000 डीआर। 12,000 डीआर। और क्या हो जाएगा आपका? 12,000 डीआर। तो यहाँ देखो डी आर अधिक है या सी आर अधिक है? आपका सी आर अधिक है। कितना अधिक है? 12,000। यहाँ डी आर सी आर दोनों सेम है, नील हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? 12,000 डी आर। यानी फर्म जेड से पैसे मांगती है गुडविल के नाम से, कितने पैसे मांगती है? 12,000। और क्या बात हुई थी, जेड गुडविल का पैसा कैसे लेके आएगा? कैश में लेके आएगा। आइए करते हैं एंट्री। सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, फर्म के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है 12,000 गुडविल के नाम से, और 50 किस नाम से? कैपिटल के नाम से। यानी कुल कितना पैसा आएगा? 62,000। इसमें कुछ पैसा तो किस बात का है? टू जेड कैपिटल।
इसमें से कुछ पैसे किस बात के हैं? टू जेट कैपिटल। तो जेट कैपिटल के नाम से कितने पैसे आ रहे हैं? 50,000। और कुछ पैसे किस नाम से आएंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है किसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा? एक्स में, क्योंकि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है किसको देना है? वापस एक्स को देना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल है क्या? CR। और CR कैंसिल कैसे होगा? DR से। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा? 12,000। और टू क्या हो जाएगा आपका? एक्स कैपिटल। टू क्या हो जाएगा आपका? एक्स कैपिटल कितना होगा आपका? एक्स कैपिटल 12,000, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ था कि एक्स ने वो पैसा विड्रॉल कर लिया था। अगर एंट्री की बात की जाए तो एंट्री क्या बनेगी उसकी? फर्म का क्या जाएगा? कैश जो जाता है वो क्या होता है? CR। और एक्स क्या है? रिसीवर है। रिसीवर क्या होता है? DR। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? एक्स कैपिटल अकाउंट DR, एक्स कैपिटल अकाउंट DR। टू क्या हो जाएगा आपका? फर्म का क्या जाएगा? कैश जो जाता हो क्या होता है? CR। अमाउंट कितना था आपका? 12,000। और कितना था? 12,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है पी और क्यू पार्टनर है और इनका रेशो कितना है? 2 और 3। नया पार्टनर कौन आ रहा है? आर और एस आ रहा है। और आने के बाद इनके बीच में न्यू रेशो कितना हो गया? 3, 4, 3, 2। गुडविल क्या डिसाइड किया गया है? 3 लाख रुपीज। आर ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल एंड 2 लाख रुपीज कैश फॉर कैपिटल। आर क्या करेगा? गुडविल का तो पैसा लेके आएगा ही और साथ में 2 लाख रुपीज लेके आएगा कैश के लिए। इस क्या करेगा? इस 1 लाख रुपीज कैश के लिए। और मोटर व्हीकल कितने का? 80,000 रुपीज का एज ए कैपिटल इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल। यानी गुडविल के लिए तो अलग से वो कैश लेके आएगा ही, उसके अलावा कैपिटल के लिए इस क्या लेके आ रहा है? 1 लाख रुपीज का कैश और 80,000 रुपीज का क्या लेके आ रहा है? मोटर व्हीकल लेके आ रहा है। फिर से मेरी बात सुनना, पी और क्यू पार्टनर हैं, इनका रेशो कितना था? 2 और 3। नया पार्टनर कौन आ रहा है? आर एस आ रहा है और इनका रेशो कितना है? 3, 4, 3, 2। और इनके आने के बाद न्यू रेशो कितना हो जाएगा पी क्यू आर एस का? 3, 4, 3, 2। जो गुडविल है वो क्या डिसाइड किया गया है? 3 लाख रुपीज़ का। आर क्या करेगा? गुडविल का तो पैसा लेके आएगा ही, साथ में कैपिटल के लिए क्या लेके आएगा? 2 लाख रुपीज। एस क्या कर रहा है? कैपिटल के लिए क्या लेके आएगा? कैश 1 लाख रुपीज। और मोटर व्हीकल कितने का? 80,000 रुपीज, ठीक है ना। और बाकी वो क्या लेके आएगा? गुडविल के लिए अलग से तो कैश लेके आएगा ही। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि गुडविल के लिए आर और एस से फर्म कितना डिमांड करेगी। आपको याद है ना, सिक्योरिटी रेशो निकालने से अच्छा है पहले हम क्या करेंगे, गुडविल को कैसे बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। फिर कैसे बांटेंगे? न्यू रेशियो में। अपने आप डिफरेंस आ जाएगा किसे DR करना और किसे CR करना। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने गुडविल एडजस्टमेंट को लेके। पार्टनर्स का नाम क्या क्या था? पी क्यू आर और एस। सबसे पहले हम गुडविल को लेके आएंगे। याद है ना, गुडविल कितने का था? 3 लाख रुपीज़ का। और गुडविल कैसे आएगा? DR से।
जो इनका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो क्या था इनका, 2:3। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 1,20,000 CR, 1,20,000 CR, और कितना, 1,80,000 CR। अभी जो गुडविल है वापस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो DR है वो कैंसिल कैसे होगा, CR से। ये 3 लाख रुपीज़ जो DR था, ये DR कैंसिल कैसे होगा, CR से। और जो न्यू रेशियो है वो न्यू रेशियो कितना है, 3,4,3,2, 3,4,3,2। तो कितना कितना हो जाएगा आपका, 75,000 DR, 1 लाख DR, सेवेंटी फाइव थाउजेंड DR और 1 लाख DR। अब देख लो डिफरेंस कितना कितना हो गया, और 50,000 DR। अब देख लीजिए आपका जो डिफरेंस है वो कितना कितना डिफरेंस आ गया आपके पास। पी का तो क्या अधिकार है, CR। CR कितना अधिकार है, 45,000 CR। क्यू का कितना अधिकार है, CR। कितना अधिकार है CR, 80,000। आर का कितना अधिकार है, 75,000 DR अधिकार है। और इसका DR कितना अधिकार है, 50,000 रुपीज़ DR अधिकार है। आ जाइए करते हैं एंट्री। अपने सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, आर की बात करते हैं। आर याद है ना, कैपिटल के लिए कितना लेके आ रहा था, 2 लाख रुपीज़, और गुडविल के लिए और क्या लेके आएगा, 75,000। तो कैश अकाउंट DR कितना हो जाएगा आपका, 2,75,000। इसमें कुछ पैसे किस बात के हैं, आर कैपिटल के हैं, और कुछ पैसे किस बात के हैं, गुडविल के हैं। कुछ पैसे किस बात के हैं, आर कैपिटल का है। कैपिटल के लिए कितना लेके आ रहे थे वो, 2 लाख रुपीज़, और 75,000 किस बात का है, प्रीमियम फॉर गुडविल का है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आपका, प्रीमियम फॉर गुडविल 75,000। अब इसकी बात करते हैं, इस कितना पैसा लेके आएगा। इस वैसे तो कैश कितना लेके आ रहा था, 1 लाख रुपीज़ किसके नाम पर, कैपिटल के नाम पर, और 50 किस नाम पर लेके आएगा, गुडविल के नाम पर। तो जहाँ तक कैश की बात है, कैश कितना होगा, 1,50,000। और वो क्या लेके आ रहा था, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल कितने का लेके आ रहा था वो, 80,000 का। मोटर व्हीकल वो कितना का लेके आ रहा था, 80,000 का। इसमें से कुछ पैसा किस बात का, इस कैपिटल का। इसमें से कुछ पैसा किस बात का, इस कैपिटल का। वो कितना था आपका, 1 लाख इसमें से, और 80, ये यानी 1,80,000। और बाकी जो 50,000 रुपीज है वो किस बात का, प्रीमियम फॉर गुडविल का। बाकी जो 50,000 रुपीज है वो किस बात का, प्रीमियम फॉर गुडविल का। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा आपका, प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, 75 ये और 50 ये, 1,25,000, ये जो प्रीमियम है
है क्या सी आर, और सी आर कैंसिल कैसे होगा डी आर से। प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना हो जाएगा आपका 1,25,000। और याद है ना, ये जो 1,25,000 दिख रहा है, इसमें से कुछ तो किसके पास जाएगा, पी के पास जाएगा, और कुछ किसके पास जाएगा, क्यू के पास जाएगा, पी कैपिटल और क्यू कैपिटल। पी कैपिटल कितना होगा आपका पी कैपिटल के पास 45,000, और कितना होगा आपका क्यू कैपिटल 80,000, ठीक है ना। तो ये तो आपकी जनरल एंट्री थी। आप पी से कितना देना चाहते हो 45, क्यू को कितना देना चाहते हो 80,000, आप आर से कितने पैसे मांगते हो 75, और एस से कितने पैसे मांगते हो 50,000। याद है ना, आर 2,00,000 रुपीज़ कैश लेके आ रहा था कैपिटल के लिए, और बाकी वो क्या लेके आएगा गुडविल के लिए। सेम वैसे ही 1,00,000 रुपीज़ और 80,000 रुपीज़ का मोटर व्हीकल इस लेकर आ रहा था कैपिटल के लिए, और बाकी 50 किसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। और बाद में ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है पी और क्यू में क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा, ठीक है।